हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आल्सो योर हैप्पी फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घर पर कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा कि चलो छुट्टी तो है, कम से कम कुछ तो आराम मिल रहा है ना, और आपका हेल्प कर रही है हमारी सरकार। और ये जो विशेष रोग आया हुआ है, आपके सपनों को साक्षात साकार कर रहा है। आप हर तरह से घर पर रहिए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी को ना हो। पढ़ाई कुछ हो छोड़िए, पढ़ाई लिखाई जैसे उस, क्योंकि आज के डेट में लग रहा है कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत ही अजीबोगरीब कार्य हो चुका है। लेकिन जो भी हो, हम लोग किसी में क्या इंटरफेयर कर सकते हैं? हम लोग आम पब्लिक हैं, अंग्रेजी में कहे तो मैन को मैन, ठीक। लेकिन जो भी हो, आप सभी विद्यार्थियों को हम ये बोलने का प्रयास करेंगे कि देखिए भाई, समय हमेशा अपने हिसाब से नहीं चलता है। समय अभी कुछ और है, शाम में कुछ और होगा, कल सुबह कुछ और होगा, अगले दिन कुछ और होगा। समय किसी के हिसाब से चलने का कोई ठेका वका नहीं लिखा है, ठीक। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को या अन्य लोगों को मैं ये सलाह देने का प्रयास करूँगा कि आप जैसे भी हो, जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी आपका लाइफ का टारगेट है, स्थिति के अनुसार उसको धीरे धीरे सही, लेकिन उसको पाने की ओर आगे बढ़ते रहें। डियर स्टूडेंट्स, यह जो समय है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को बड़ा अफसोस होता है जब कोई भी समय हाथ से निकल जाता है, हम लोग चाहकर कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये साल ऐसे करेंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन लगता है कि जीरो बराबर जीरो, मतलब समय पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। तो आप एक विद्यार्थी हैं, आपके हाथ से भी समय निकल रहा है, चाहे वो डायरेक्टली निकल रहा हो या इनडायरेक्टली निकल रहा हो, लेकिन समय आपके हाथ से निकल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति हम चाहेंगे कि आप सभी लोग ये कह करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि चलो कोचिंग क्लास बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोचिंग क्लास बंद है, लेकिन आपका करियर बंद रहने वाला नहीं है। आने वाला समय में आपका करियर का वेट हो रहा है। आने वाले समय में कल दिन आप क्या होंगे, क्या बनेंगे, क्या आपका सक्सेस का राज होगा, क्या आप सब, क्या आपका सपना होगा, क्या कुछ भी, ये सब कुछ आपका वेट कर रहा है। और याद रखिए, हम जो भी कल होते हैं उसमें आज का ही सर्वे सर्वा योगदान होता है, उसमें आज का ही सर्वे सर्वा सब कुछ होता है। क्योंकि आज आप जो भी हैं, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आप वही हैं जो आप 7, 8, 9, 10 क्लास के स्टूडेंट रहे होंगे, और जो आप 11, 12 में बनेंगे वो आगे आपको दिखेगा, और जो उस समय आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे वो आपके फ्यूचर तक दिखेगा। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों को ये बोलने और बताने का प्रयास करेंगे कि आप घर पर हैं फिर भी आप करियर के बारे में सोचते रहिए, पढ़ाई के बारे में सोचते रहिए। जरूर क्वेश्चन कीजिए, अगर हमारा पढ़ाई चौपट हो गया तो हम क्या करेंगे। देखिए, समय बदल रहा है। आज हमारे देश में एजुकेशन है, पहले एजुकेशन को बहुत ही लोग वैल्यू देते थे। तो इसके पीछे जानते हैं आप किसका था? हमारे महान महान राष्ट्रपति जी, जैसे लोगों का हाथ था। आपको पता होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने विद्वता का एक अद्भुत छाप छोड़ा था। उनके बारे में तो ये कहा जाता है, एक बार जब उनका कॉपी चेक हो रहा था तो कॉपी पर लिखा गया कि एग्जामिनी इज मोर इंटेलिजेंट देन एग्जामिनर, अर्थात परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाला से कहीं अधिक विद्वान है, बहुत अधिक समझदार है, चालाक। अब उसका क्या किया? तो वैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना हुआ था, और तब हमारे देश में एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आए राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन जो, जिनके बारे में कोई क्या बोलेगा, जिनके नाम पर हम लोग क्या करते हैं, 5 सितंबर, 5th of September मनाते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। किसके नाम पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन।
तो वो व्यक्ति जानते थे कि शिक्षा का वैल्यू क्या है। उसके बाद आए माननीय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने साफ आपको बताया है जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे 1967 में, कब 1967, जब वो 1967 में बोले तो उन्होंने साफ बोला कि भैया एजुकेशन जो शिक्षा है हमारे देश का एकदम मेन वीपन से मेन हथियार है। याद रखिए, जिस देश में जिस जगह पर जिस राज्य में जिस शहर में शिक्षा नहीं है तो वहां पर जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा, जो न्यू पीढ़ी आएगी, वो अशिक्षा को लेकर ही आएगी। और अगर जहां पर अशिक्षा पैदा हुआ तो याद रखिए वहां पर अंधविश्वास पैदा होता है। जहां पर अशिक्षा पैदा हुआ वहां पर अंधविश्वास पैदा होता है, और जहां पर अंधविश्वास पैदा होता है वहां पर समाज में भ्रांतियां पैदा होती हैं, और जहां पर समाज में भ्रांतियां पैदा होती हैं वहां पर नए नए विचार यूं ही आने लगते हैं, और किसी को समझ नहीं आता है क्या गलत है और क्या सही होता है। वहां समाज एक नया रूप स्टार्ट होता है जिसमें आप जो कुछ भी कहिए वो आदमी बेवकूफ की तरह मानते हुए चला जाता है। तो भैया हम चाहेंगे कि जो भी हो, जैसा भी स्थिति हो, आप लोग अगर आप परिवार हैं, अगर घर के गार्जियन हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप सरकार के जैसा, सरकार जो कुछ भी कर रहा है वो अपने समझदार से अपने माइंड से वो लोग उचित ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग तो भाई उनकी बातों को पालन करना है और हम लोग सब कर भी रहे हैं। और ये बात एक दिन से लगभग 3 साल से ये स्थिति हो रहा है कि बच्चों का जो पढ़ाई है काफ़ी डैमेज हो रही है। देखिए जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उससे प्लस के बच्चे वो बात को समझ जाएंगे, लेकिन इसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है जो वो बच्चे जिनकी उम्र मतलब जिनकी क्लास का स्टैंडर्ड 3, 4, 5, 6, 7, सच बोल रहे हैं, जिस बच्चे के क्लास का स्टैंडर्ड 3, 4, 5, 6, 7 क्लास है, अगर उसको 2 साल और स्कूल न जाने दिया जाएगा तो उसके दिमाग में पढ़ाई शब्द आएगा ही नहीं, और फिर आप उसको लाख कुछ भी समझा लीजिए उसके दिमाग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब कुछ सीखने की हार्मोन्स उसके अंदर उत्पन्न हो रहा होगा वो डिलीट हो चुका होगा, और अब उसको आपकी बातें समझ में नहीं आ सकती है। जैसे आज की डेट में अगर हम किसी भी गार्जियन को बोलें कि आप आइए यहाँ पर पढ़ाई कीजिए और आपको हम पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में हलचल होने लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा कि ये क्या कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो यही हमारे भविष्य के साथ, यही हमारे बच्चों के भी साथ होगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी स्टैंडर्ड 3, 4, 5, 6 क्लास है, अगर उनको फोकस नहीं किया जाएगा तो भाई आप उनको बाद में नहीं संभाल सकते। इसे लिख लीजिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर कभी वृक्ष है, अगर उसको जब हम वृक्ष का जब स्टार्टिंग सिंचाई कर रहे हैं, देखिए आपको अत्यधिक आवश्यकता कब पड़ती है वृक्ष को आगे बढ़ाने में, शुरुआत में, जब वृक्ष जम गया, जब जड़ बना लिया, जब मजबूत हो गया, तब कुछ भी करिए वो खुद पर ही खड़ा रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वृक्ष फेंका चुका होगा। तो जो आपके बच्चे हैं जो 4, 5, 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, और उनको आप थोड़ा सा केयर कीजिए, और आप गार्जियन हैं तो आपको हम एक यही सलाह देंगे कि छोड़िए, दुनिया की दम पर हम उन भविष्य को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए आप अपना जिम्मेदारी समझ करके अपने बच्चों को अपने सामने 5 घंटा 6 घंटा बैठाइए। सोचिए कि अब हम ही बच्चों का टीचर है और हमारा घर ही बच्चों का स्कूल है, अब आप ये सोचिए कि हम ही बच्चों के टीचर हैं और हमारा घर ही हमारे बच्चों का स्कूल है, और जो भी आपके घर में कोई बड़ा लड़का होगा, कोई बड़े लोग होंगे, कुछ पढ़े लिखे होंगे, उनको हेल्प में लगा दीजिए, भैया कुछ भी हो तुम इसका केयर करो, अभी हम इसके पिताजी हम नहीं पढ़े ठीक है, हम इसके प्रिंसिपल हैं, हम इसके जो कुछ भी हैं, लेकिन तुम हमारे टीचर बनकर इस बच्चों को पढ़ाओ और 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाओ। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बच्चों के अंदर एक ऐसी मेंटेलिटी उत्पन्न होगी कि हम और आप चाह कर उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है। और जो बच्चा 3, 4, 5, 6 क्लास
में अगर नहीं पढ़ा होगा, मन से नहीं उसका पढ़ाई गया होगा, तो आगे वह लाख कुछ भी कर ले नहीं केयर कर पाएगा, क्योंकि उसका माइंड चेंज हो चुका होगा। इसलिए हम आप सभी लोगों से, आप जितने भी बड़े बुजुर्ग समझ मतलब कि गार्जियन लोग जिसे भी हैं, देखिए हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति कैसा हो छोड़िए, आप अपने बच्चों पर केयर कीजिए, क्योंकि आज बच्चे आपके हैं, वो आपके बच्चे हैं भाई, उनका भविष्य आपके भविष्य और आपका भविष्य उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए जैसा भी हो, आप जो भी आपके पास काम धाम है जैसा भी हो, उसी में टाइम निकाल करके आप बच्चों को केयर कीजिए, नहीं तो फिर 3-4 साल अगर निकल, देखिए ना, सोचिए ना क्या लग रहा है, 3 साल में छोटे छोटे बच्चों का टाइम नहीं निकला होगा, जरूर निकला होगा। तो आप सोचिए कि वो बच्चे जो 3 साल कुछ जाने ही नहीं, और अगला 1-2 साल अगर और उनको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, तो वाकई एक ऐसे स्टूडेंट बनकर निकलेंगे, फिर उनके अंदर पढ़ने की मतलब एक चाहत ही खत्म हो जाएगी, और जब चाहत खत्म हो गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब चाहत ही खत्म है, अब क्या बचा लाइफ में, हम जी रहे हैं कि हम जीना चाहते हैं, जब हमारा जीने का चाहत ही खत्म हो जाएगा तो क्या मतलब। चाहत ही आपको डिजायर देती है, अगर आपके अंदर आज आप जो कुछ भी हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी हो लेकिन चाहत को मरने मत देना, क्योंकि किसी ने कहा है नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कल अच्छे बहुत ही बेमान मान कवि हुआ करते थे, जब भी स्थितियाँ विषम होती थी वो लोग मार्गदर्शन करते थे, बताते थे, लेकिन अब तो वैसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है, आता स्टेटस पर चला भी जाता है, लेकिन समय है समझने का और अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा अपना फर्ज दिखाने का। इसलिए आप जितने भी माता पिता, बड़े भाई बहन, जो कोई भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस दुविधा में आप अपने बच्चों के भविष्य को दाव पर मत लगाइए। स्कूल बंद हो जाएगा तो आपका बच्चों का करियर भी बंद हो जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। और आप कर क्या सकते हैं, तो आप यही करिए कि आप अपने बच्चों को खुद अपने आँख के सामने 5-6 घंटा बैठाइए, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, उसके लिए मार्केट से किताब खरीद के लाइए, जो भी हो आज की तपस्या आपको कल बहुत हेल्प करेगी। वो बच्चा बोले कि नहीं, हमारे पिताजी लॉकडाउन में उनको बैठा कर पढ़ाए थे, हमारे भैया हमारे चाचा अंकल कोई भी हमको ऐसी स्थिति में खुद बैठ कर पढ़ाए थे, और उनका हेल्प आज हमको सपोर्ट कर रहा है। और याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक। जो भी हो, चलिए हम आप सब लोग से यही बोलेंगे कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर परिवार सबको सेफ रखने का प्रयास कीजिए, लेकिन इस स्थिति में भाई एजुकेशन को डिस्ट्रॉय मत होने दीजिएगा, शिक्षा को बर्बाद मत होने दीजिएगा। तो हमने बोला अगर शिक्षा खत्म तो सीधा शिक्षा पैदा होगा, और जब शिक्षा पैदा होगा तो हमने वही बताया अंधविश्वास स्टार्ट होगा, और जहाँ अंधविश्वास होता है वहाँ पर फ्यूचर कैरियर ये क्या होता है ये कोई बता नहीं सकता है, ठीक। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बस ऐसी आपको एक वीडियो बनाने का इच्छा कर दिया कि भाई सभी लोग घर पर हैं, कुछ बना के बच्चों को भेज दिया जाए ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेट रहें और अपने घर पर ही पढ़ाई को सुचारू रख सकें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, खुश रहिए और अपने घर पर स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।